हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ आईडीटी, स्पेशली सीए फाइनल के अंदर. नाउ आईटीसी स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये आईटीसी का मतलब क्या है. नो मैटर, हम लोग जब से हमने सीरीज स्टार्ट की है, हमने बहुत बार ITC वर्ड को यूज़ किया है और काफ़ी जगहों पे इसका वाया वाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब भी सीखा है. अब हम क्या करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से सीखने का ट्राई करते हैं दैट व्हाट इज़ ITC. ठीक है, फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता ही है, सब सीए के बच्चे हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट. देखो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, सपोज़ करो ये एक पर्सन है. अभी एक पर्सन क्या करता है, ये ट्रेडर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या कर रहा होगा, ये किसी से सामान लेगा पहले. तो सपोज़ करो किसी एक्स वाई जेड नाम के बंदे से इसने सामान परचेज़ किया. अब सपोज़ करो सामान परचेज़ किया 1000 रुपीज़ का. सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलता हूँ 1000 के सामान पे 10% का टैक्स रेट था, यानी कि 100 रुपये का टैक्स रेट था. तो बिल कितने का मिला होगा इसको, 1100 रुपये का. ये 1100 का बिल इसको मिला, तो कहना ऐसे ये ट्रेडर के लिए क्या है, दिस इज परचेस. अब ये ट्रेडर क्या करेगा, ये ट्रेडर यही सामान बेचेगा किसको, आम जनता को, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं कंज्यूमर्स को. अब जब ये कंज्यूमर्स को माल बेचेगा, अच्छा सपोज करो इसने कंज्यूमर को माल बेचा, तो इसने कंज्यूमर को माल बेचा, सपोज़ करो सेम माल इसने कंज्यूमर को बेचा 1200 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस पे. अब सेलिंग प्राइस 1200 है, अगेन GST का रेट क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए 10%, तो यहाँ पे GST कितना आ जाएगा, 10% विच इज़ 120. अच्छा अब यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ CGST SGST, वो सब वो तो हम जानते हैं, समझ चुके हैं. मैं ओवरऑल पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 1320. अच्छा ध्यान से सोच के बताओ, ये जो GST ट्रेडर ने ये बिल बनाया होगा और कस्टमर को ये बिल दे दिया होगा, तो ये ट्रेडर ने, ट्रेडर का हक किस पे, 1200 पे, 120 पे या 1320 पे. ट्रेडर का हक है सिर्फ और सिर्फ इस 1200 पे. 120 पे ट्रेडर का हक है क्या, दी आंसर इज नो. 120 किसका है, 120 गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का अधिकार है. तो ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर जो रिटर्न्स फाइल करता है, जनरली अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करता है, उसमें ये टैक्स सरकार को देगा. सरकार को जब वो टैक्स देगा तो कुछ इस तरह का सिंपल स्टेटमेंट बनता है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, या हम उसे कहते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई. तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इट वुड बी 120 इसको गवर्नमेंट को देना है. लेकिन जैसे ही 120 देने की बात करते हैं ना, ये ट्रेडर जो है ना, ये देखो ये रोने लगा, बोलता है सर मैंने वहाँ पे तो 100 रुपये दिए भी थे, अब आप मुझसे 120 मांग रहे हो, तो मेरा तो बहुत पैसा जा रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला, अरे भाई GST लाए क्यों थे हम लोग जीवन में, हम लोग GST लाए इसके लिए थे कि जो तुमने अपने परचेजेस पे टैक्स भरा है उसका रिबेट ले लो. तो ये खुश हो गया. अब इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे ये बोलेगा लेस ITC. ITC का फुल फॉर्म अपने को पता है, इसका शॉर्ट में मतलब क्या होता है अपने समझने के लिए, दिस इज टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाइज. ठीक है, तो क्या होगा, हमने 100 भरा था, 100 लेस करने का मौका मिलेगा, तो फाइनली कितना अमाउंट पेएबल आया, 20. सो दिस 20 इज नोन एज, ये है फाइनल टैक्स पेएबल. तो अब हम लोग इस चैप्टर में बात क्या करने वाले, हम इस पूरे चैप्टर में इस पार्ट को सीखने वाले हैं, हम पूरे चैप्टर में इस पार्ट को सीखेंगे. ये जो ITC लेस करने का मौका मिल रहा है ना, हम इसको सीखेंगे. अभी देखो ये तो समझ गया कि ये टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज है, यानी कि टैक्स ऑन परचेजेस है, पर क्या हर एक टैक्स ऑन परचेज को डिपार्टमेंट लेस करने देता है, आंसर इज नो.
देयर हैज़ टू बी सम कंडीशंस, अगर आप उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं उसके बाद ही आपको डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, यानी अपने जो आउटवर्ड की टैक्स पेएबल है उसको लेस कर सकते हो, कम कर सकते हो, रिबेट क्लेम कर सकते हो परचेजेस के टैक्स पेमेंट का, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर का आइडिया मिल गया कि हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। मैंने कहीं ब्रेकअप नहीं लिया सी जी एस सी एस जी का, बिकॉज जब वो हम आगे करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम लोग आगे सम्स भी कवर करेंगे, हो सके तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ करेंगे, और यहाँ नहीं कर पाए तो फुल फ्लेज सेशन रखेंगे जहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कवर करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो इन क्वेश्चंस को लाइव अटेंड करना चाहते हैं जुलाई या अगस्त के महीने में, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आप लाइव अटेंड कर सकते हैं वो सेशन क्वेश्चन सॉल्विंग का। ओके, विद दिस लेट्स कम टू द मेन चैप्टर। ओके, हियर इज योर आईटीसी। नाउ अब इस चैप्टर में कैसा है ना, इस चैप्टर में अगेन 100 पेज का पूरा कंटेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। नाउ आई डोंट माइंड एंड आई वोंट माइंड टीचिंग लाइन बाय लाइन एज आई डू ऑलवेज, बट मैंने क्या देखा और क्या ध्यान दिया है कि अगर मैं हर एक लाइन बाय लाइन जाके बच्चों को समझा रहा हूँ तो बच्चे कुछ सो रहे हैं या बच्चे थोड़े कम इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो फिर अगेन आई हैव डिसाइडेड हम लोग पॉइंट्स सारे कवर करेंगे, मगर ये एक चैप्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा समरी फॉर्म पे ही जा रहे हैं। समरी भी कौन की, मॉड्यूल की समरी, जहाँ पे डिटेल में सब कुछ कवर्ड है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो जो पार्ट बाय चांस अगर आपको समरी में ना मिला, हालांकि इस चैप्टर की समरी बहुत मज़ेदार समरी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है, स्टिल अगर कोई पार्ट आपको कवरेज नहीं मिला समरी में, तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे वो पार्ट कवर हो जाएगा। जिस किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमको फुल फ्लेज जाना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग फिर फुल फ्लेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट्स डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड स्टूडेंट्स लोगों से मुझे आएगी वैसा ही मैं सप्लाई करूँगा, सिंपल सी कहानी है। ऑल दो मैं कवरेज सारा करूँगा, अब डिपेंड करता है कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँ या टॉपिक लेके आपको समझा दूँ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आईटीसी यू शुड नो फ्यू टर्म्स जो नेसेसरी है आईटीसी करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग सीखने वाले एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होगा, ये एग्जाम सप्लाई बार बार आईटीसी में यूज़ होने वाला है तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है एक ऐसा सप्लाई जिसमें या तो निल रेट ऑफ टैक्स है, या फिर एक ऐसा सप्लाई जो होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, उस पर कहीं टैक्स लगता ही नहीं है पूरे जीएसटी में, या फिर एक ऐसा सप्लाई जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, क्या उस पर जीएसटी लग रहा है आज की डेट में, नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल आपका पेट्रोल वगैरह है, क्या वो जीएसटी के सप्लाई में आता है, जीएसटी के दायरे में आता है, आंसर इज नो। लेकिन वो वाला भी अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो एग्जाम सप्लाई कैटेगरी में काउंट करेंगे। गुड्स का मतलब क्या, सर्विस का मतलब क्या, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ही सीख चुके हैं, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जिसने नहीं देखा है गो एंड सी अगेन फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इनपुट टैक्स। अब जैसे कि मैंने बात किया इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जो मैंने कहा ना टैक्स ऑन परचेस, टैक्स ऑन परचेस क्या है, वो इनपुट टैक्स ही है। उसको हम क्रेडिट वर्ड साथ में कब यूज़ करते हैं, जब हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और वो जमा हो रहा है, इसलिए हम कह देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट बेसिकली क्या है वो, ये टैक्स ऑन परचेस। तो क्या है ये इनपुट टैक्स, दिस इज नथिंग बट टैक्स ऑन परचेस। अब ये परचेज किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये परचेज किसी गुड्स का भी हो सकता है, ये परचेज सर्विस का भी हो सकता है। अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो ये परचेज नॉर्मल जो आपके गुड्स हैं उनका भी हो सकता है, और ये परचेज आपके कैपिटल गुड्स का भी हो सकता है, सभी पे आपको आईटीसी मिलता है। अब देखो यहाँ पे इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। और साथ में क्या इंक्लूड है, टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वाली कहानी क्या है, देखो बहुत सिंपल बात है, याद है हमने एक चैप्टर सीखा था आरसीएम, आरसीएम में हम लोग जो परचेज कर रहे थे ना, उस परचेज पे हम सामने वाले को टैक्स नहीं दे रहे थे, हम लोग खुद टैक्स भर रहे थे। अरे एनीवे उस परचेज पे मैं टैक्स भरूं और वो पैसा भरे या मैं खुद भरूं, दोनों ही केस में परचेज का ही टैक्स है तो आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस पर क्या एक्सक्लूड हो जाएगा,
कंपोजिशन टैक्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि कंपोजिशन टैक्स पेयर जो होता है, अगर हम उससे कोई सामान खरीदते हैं, अब वो ऑलरेडी इतने सस्ते रेट पे आपको जीएसटी लग के आता है कि उसका कोई रिबेट आपको नहीं मिलता है। अच्छा, इसके बाद है एनआरटीपी, ये भी हमने इनिशियल डेज में पढ़ा था। एनआरटीपी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो गुड्स सप्लाई कर रहा है ओकेजनली या सर्विसेज दे रहा है ओकेजनली, कभी कभी, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस इंडिया में नहीं है। ये वही बाहर के फिरंगी जो कभी कभी यहाँ कुछ बेचने के लिए आते हैं। अब वो एज अ प्रिंसिपल भी बेच सकते हैं, एजेंट भी बेच सकते हैं, या किसी भी कैपेसिटी में बेच रहे हैं, मगर वो एनआरटीपी कहलाएंगे अगर उनकी यहाँ कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस नहीं है, मगर वो कभी कभी यहाँ कुछ बेचने के लिए आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में अगर नेपाल से कोई रजाई बेचने के लिए आ रहा है यहाँ पे, अगर वो नेपाल का ही है तो वो कौन बन जाएगा इंडिया में? एनआरटीपी। इनवर्ड सप्लाई, जैसे कि मैं डिस्कस किया पहले, इनवर्ड सप्लाई क्या होता है? रिसीव्ड करना या तो गुड्स या तो सर्विसेज। अब ये रिसीव्ड, आप जो परचेज कर रहे हो कुछ भी चीज़ें, गुड्स पर रहे हो वो भी हो सकती है, कुछ एक्वायर कर रहे हो वो भी हो सकता है, या कैपिटल गुड्स ले रहे हो वो भी हो सकता है वो आपने रिसीव विद कंसिडरेशन किया है या फिर विदाउट कंसिडरेशन किया, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बातें अपन ऑलरेडी इनिशियल डेज में कर चुके हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए, ये है ज़ीरो रेटेड सप्लाई। इसका भी जिक्र बार बार आईटीसी में आगे आने वाला है। क्या होता है ज़ीरो रेटेड सप्लाई? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, वो क्या है? ज़ीरो रेटेड सप्लाई। या फिर हम जो सप्लाई दे रहे हैं किसमें? ऐसी से डेवलपर को या यूनिट को, भले ही वो इंडिया में है लेकिन वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अब सर, ये ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ये नाम दिया गया जस्ट टू डिफ्रेंशिएट थिंग्स एंड मेकिंग थिंग्स सिंपल। ठीक है, तो ऐसा कोई लोन लेने वाली बात नहीं है। एक्सपोर्ट के अंदर नॉर्मल एक्सपोर्ट भी कवर्ड है, और जो एसईजेड में माल बेचते हैं वो भी कवर्ड है। दोनों भी क्या है? ज़ीरो रेटेड सप्लाई। दैट्स इट। सो दिस वॉज बेसिक डेफिनेशन। हालांकि काफ़ी सारे लोग तो ये सब पार्ट को कवर भी नहीं करते हैं, बट आई थॉट अपन एक फास्ट फॉरवर्ड वे में कवर कर सकते हैं। अब आराम से, अब घाई नहीं करनी है, आराम से देखो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर को, वन बाय वन जाएंगे और स्लोली एंड स्टडीली आराम से पढ़ेंगे। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी रीड विद रिलेवेंट रूल्स आर समराइज्ड बिलो। क्या करना होगा आईटीसी लेने के लिए? सबसे पहली बात, एक रजिस्टर्ड पर्सन वो क्रेडिट ले सकता है किसका? इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज का। कब ले सकता है वो सर क्रेडिट? जब वो गुड्स या सर्विसेज जो वो परचेज कर रहा है वो या तो यूज़ कर रहा है, या उसके इंटेंशन है कि वो किसके लिए यूज़ कर रहा है? फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। इन शॉर्ट, सपोज करो मेरा किसी चीज़ का बिजनेस है, और अगर मैं ये बॉटल परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं ये बॉटल परचेज कर रहा हूँ बिजनेस पर्पज़ के लिए, या तो इन द कोर्स या फिर इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ या इसको बेचने के लिए, दोनों ही केस में तब मैं इसके परचेस का आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। एग्जांपल नंबर टू ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेलफोन परचेस किया, इस पर जीएसटी लगता है। अब क्या हुआ, ये जो सेलफोन मैंने परचेस किया ये मैं ऑफिस में, ऑफिस के काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इस पर आईटीसी भरा है, इस पर टैक्स भरा है इनपुट के टाइम पे 2000 रुपये का। क्या मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को? आंसर इज यस, मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये फ़ोन परचेस किया है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे भाई के लिए, तो क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। इसका मतलब क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई सामान ले रहा हूँ तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो हुआ बिजनेस पर्पज़, नॉन बिजनेस पर्पज़ मतलब क्या है ना, अगर आपको अपना आईबीसीसी का दिन याद है, हम लोग जब सीखते थे ना फ्लो चार्ट, हम लोग वहाँ बात करते थे कंडीशंस पे, कुछ इस तरह का ही है। जैसे ही परचेज किया टैक्स तो लगा, सेकंड स्टेप क्या हुआ, चेक करना कि वो बिजनेस के लिए परचेज किया नॉन बिजनेस के लिए परचेज किया। अगर वो बिजनेस के लिए परचेज किया तो आगे बढ़ो और आगे चार कंडीशन को फुलफिल करो। अगर वो नॉन बिजनेस के लिए परचेज किया तो यहीं पे स्टोरी स्टॉप कर दो, आईटीसी नहीं मिलेगा, बात खत्म। अब सपोज करो बिजनेस के लिए परचेज किया है तो क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है? देखो कौन सी चार कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन नंबर, ये रही कंडीशन नंबर वन,
ही हैज अ फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39। आपके जीएसटी में ना जीएसटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब भी आप टैक्स क्लेम करते हैं या टैक्स पास ऑन करते हैं, रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी है। तो अगर आपने रिटर्न्स नहीं भरोगे तब तक आपको आईटीसी क्लेम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कंडीशन नंबर टू, जो आप सप्लाई कर रहे हो उसका आप टैक्स भरना चाह रहे हो। टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड इधर इन बाय कैश और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सिंपल सी कहानी है इसका। सिंपल मतलब क्या, आप रिटर्न्स भर रहे हो उसका पेमेंट आप आईटीसी के द्वारा भी कर सकते हो या आप कैश से भी कर सकते हो। नाउ जो नए हैं वो ये समझ लेना, यहाँ पे कैश मतलब रोकड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ कैश मतलब डिपार्टमेंट बात कर रहा है कैश लेजर की। कैश लेजर में आप पैसा जनरली अपने नेट बैंकिंग से ही डालते हो और उससे टैक्स का पेमेंट करते हो। इस चीज़ की डिटेल जानकारी आपको आगे आने वाली है पेमेंट ऑफ टैक्स में, ठीक है? बिकॉज हमारा यहाँ पे मेन डिस्कशन आज क्या है, आईटीसी कैसे कैसे मिलेगा। ओके, तो कंडीशन नंबर वन, रिटर्न्स भरे होने चाहिए। कंडीशन नंबर टू, टैक्स पेमेंट किया होना चाहिए। कंडीशन नंबर थ्री, ही हैज रिसीव्ड गुड्स एंड और सर्विसेज। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हो, आपने सामने वाले से बिल तो ले लिया, सामान तो आया नहीं अभी तक। ये बॉटल जो था 100 रुपये का बॉटल था, इस पर सपोज 18 रुपये जीएसटी लगा है, ये बॉटल अब तक मेरे पास डिलीवर होके नहीं आया, लेकिन क्या आया, बिल आ गया। कैन आई क्लेम आईटीसी? नॉर्मल सिचुएशन पे बंदा सोचता है बिल तो आ ही गया है ना, ले लूँगा। ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट ने साफ साफ लिखा है तुम्हारे पास माल आया क्या? जब तक माल नहीं आता है आईटीसी क्लेम तो नहीं करेगा। ये क्यों किया गया? वैट के ज़माने में बहुत सारे बिलिंग के झोल जाल होते थे, आपको पता ही है, जिसने वैट के ज़माने में काम किया उसको अच्छे से पता है कि झोल जाल किस तरह से होते थे, और आज भी बहुत झोल होते हैं। इफ़ यू आर अवेयर, रिसेंटली जोधपुर में एक सीए को पकड़ा भी गया था, जहाँ पे उसको 1.5 साल बाद जेल से बेल मिली है। आई होप आपको ये केस पता है, आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं। एनीवे, वो सारा आज टॉपिक नहीं है हमारा, किसी और दिन बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है वापस से, ये लोगों ने गुड्स डिलीवर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन आइट्स अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन बिल टू शिप टू मॉडल। ये अपने कुछ दिनों पहले ही कुछ लेक्चर्स में बात की थी कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने बोला है, क्या किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने बोला है कि गुड्स उसको दे दे, और अगर उसको भी गुड्स मिल गया है तो बिल टू शिप टू मॉडल है, जिसके नाम पे बिल है, उसको भले सामान नहीं मिला है मगर उसके डायरेक्शन पे जिसको सामान पहुंचाना था वहां पे सामान पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट लिया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, ही हैज वैलिड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और प्रिस्क्राइब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आईटीसी क्लेम शुड नॉट एक्सीड। अच्छा, ये तो यहाँ पे खत्म होता है भाई, बिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कच्चा बिल दे दिया बोले क्लेम कर लो, प्रॉपर बिल होना चाहिए जीएसटी वाला आईटीसी क्लेम करना हो तो। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रूल 36(4) जो कुछ जमाने पहले आया था, रूल 36(4) यहाँ पे आया था। ये रूल क्या कहता था, ITC claim should not exceed 110% of ITC reflecting in his GSTR 2A on the due date of filing GSTR 1 of the supplier. अब ये क्या है? अच्छा, ये 110 ना, अभी 110 भी amend होके, ये amend होके 105% बन गया है। सर ये amendment कहाँ से लाए हो आप? ये मैंने आप लोगों के लिए download कर लिया है। जब आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा नवंबर 21 के लिए फ्रेश अमेंडमेंट लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर पेज नंबर 4 पे आपको ये अमेंडमेंट मिलेगा कि वो जो 110% था ना, वो 10 से अब क्या हो गया है, 5% हो गया है, ठीक है? तो जिसको विश्वास ना हो वेबसाइट पर जाए और जाके देख ले। ओके, ये रहा रूल 36(4). चलते हैं वापस हमारे चैप्टर पार्ट की तरफ। अच्छा, अब ये सर क्या है, रूल 36(4), ये जो रूल है ना, इसको आप थोड़े टाइम के लिए वेट करो, मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा।
या जब कोई क्वेश्चंस का सिलसिला करेंगे तब समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? क्योंकि ये इसमें आपके रिटर्न्स का भी सब डिस्कशन होगा साथ में, GSTR 1 जाता है, GSTR 3 भी जाता है, किस तरह से काम होता है वहीं पे बात होगी इस बारे में, ठीक है? तो हम फिलहाल इसको एक बार होल्ड कर रहे हैं, बस ये ध्यान रहे आपको फिलहाल यहाँ पे ये समझना जाता है, मैं इसको नहीं समझाता कि हमको Rule 36(4) कंप्लाई करना है। कंप्लाई कैसे करना है हम लोग बाद में सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे लिखा है गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। कभी कभी क्या होता है ना, गुड्स लॉट में रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिससे माल परचेज किया मैंने उसको कहा कि मुझे 10-10 बॉटल के 10 लॉट चाहिए, और मैंने एक ही कंबाइंड बिल साथ में इशू करने की बात की है। मतलब अगर 10 बॉटल जो मुझे मिली है उसका अलग से एक बिल मिल रहा है तो आई कैन क्लेम ITC, लेकिन अगर टोटल 100 बॉटल यानी कि 10 लॉट का है ऑर्डर और मैंने 100 लॉट का बिल, भले ही बिल आज मिल गया है लेकिन मुझे आज सिर्फ फर्स्ट लॉट मिला है, तो क्या सर मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ? आंसर इज नो। डिपार्टमेंट ने बोला अगर आप गुड्स को लॉट में रिसीव करते हैं तो जब आखिरी लॉट आ जाएगा ना उसके बाद ITC क्लेम करोगे। कि एक क्लैरिफिकेशन है कि बंदा ऐसा ना सोचे 100 बटन में से एक भी आ गया तो ITC क्लेम करो, ITC ऐसा नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ डेप्रिसिएशन इज ए क्लेम्ड ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट ITC इज नॉट अलाउड। ये क्या है देखो, जैसे कि मैंने कहा कैपिटल गुड्स पे भी ITC मिल जाता है। एग्जाम्पल सपोज करो, आपने जो परचेस किया था, आपने 1 लाख के कोई गुड्स परचेस किए थे, सपोज करो उस पर 18,000 GST लगा हुआ था, तो 1,18,000 का बिल आपके पास है, तो हम 18,000 ITC क्लेम कर सकते हैं। कब? जब आप अपने बुक्स में आपने क्या सपोज़ ये एसेट का नाम है कोई मशीन, सपोज़ आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये मशीन 1 लाख पे रिकॉर्ड की है तो 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, तब तो आप 18,000 का ITC ले सकते हो। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने उल्टी खोपड़ी लगा दी, उसने क्या किया, उसने पूरे 1,18,000 पे बुक्स में एसेट रिकॉर्ड कर लिया। इसका दूसरा मीनिंग क्या है, उसने पूरे 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया, सपोज 10%, 20% जो भी है, 1,18,000 पूरा लगाया। मतलब तुमको प्रोविजन क्या कहना चाहता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो टैक्स वाले पार्ट का भी, देखो यहाँ पे 1 लाख का डेप्री क्लेम करना तो आपका अधिकार था, लेकिन आपने 18,000 पे भी क्लेम करने का ट्राई किया, 1,18,000 पूरा पे ट्राई कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको इसका ITC नहीं मिलेगा। याद रहे, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है टैक्स वाले पार्ट पे तो ITC मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन पे टैक्स क्लेम कर लिया ITC, सॉरी डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया टैक्स वाले पार्ट में तो ITC नहीं मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? वो कन्फ्यूजन है क्या बता? ये देख वापस सुन, ध्यान से सुन, ये मशीन है, ये जो मशीन है आप लोगों की बुक्स में, अच्छा मैं समझो अपन अकाउंट्स के बच्चे लोग हैं, अपन बुक्स में क्या एंट्री मारते हैं, जैसे ही मशीनरी परचेज करते हैं, लेट मी कम हियर, जैसे ही हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं हम लोग बुक्स में क्या एंट्री मारते हैं, परचेज करने का एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वॉट एवर इट इज, ठीक है? कितने का एंट्री मारते हैं? अगर 1 लाख का एंट्री मारते हैं तो आपने डेप्रिसिएशन भी क्या किया होगा, सपोज डिवाइड बाय 10 करते हैं, 10 जगह लाइफ था तो क्या किया होगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन मारा होगा टू मशीनरी। अगर ये केस है तो कहना है से आपने सिर्फ कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आपको 18,000 का ITC मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल क्या था मेरा, मैंने क्या किया, मैंने मशीनरी को पूरे से डेबिट कर दिया यानी कि 1,18,000 से। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में एंट्री होती तो क्या होती, इफ़ आई गो एकदम करेक्ट प्रिसाइजली, तो यहाँ पे एंट्री इस तरह से होती, क्योंकि आपने दिया तो 1,18,000 है ना, तो क्या आता टू कैश बैंक 1,18,000, और यहाँ पे हो जाता डेबिट टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई या इनपुट टैक्स, ये आ जाता 18,000। तो अगर ऐसा कैसे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, पूरा 1,18,000 को क्या किया,
एसेट में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब जब आप डेपरी भी निकालोगे तो डेपरी टू मशीनरी क्या निकालोगे, 1,18 डिवाइड बाय 10, अगर 10 ईयर्स की लाइफ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 11,800 हो जाएगा। जिसका मतलब है आपने टैक्स वाले पार्ट पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया, तो ऐसे केस में ITC नहीं मिलेगा, समझा? ओके, नेक्स्ट क्या है, गुड्स ये तो अपने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेट्स रिवाइज, अपने यहाँ तक क्या पढ़ा है, पहले बात किया क्या वो बिजनेस के लिए परचेस किया है नॉन बिजनेस के लिए। नॉन बिजनेस के लिए किया तो ITC भूल जाओ, अगर बिजनेस के लिए किया है तो आगे बढ़ो, चार कंडीशन चेक करो। कंडीशन नंबर 1, रिटर्न्स भरे जा रहे हैं, टैक्स भरा गया है। और कंडीशन नंबर 3, गुड्स रिसीव हो गए, अगर लॉट में सब तो लास्ट लॉट भी रिसीव हो चुका है। और कंडीशन नंबर 4, 36(4) का कंप्लायंस करना है। ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आप ITC ले सकते हो, लेकिन कब तक है ना, अभी तक तो ITC लेना अप्रूव हुआ है, बट कब तक ले सकते हो? टाइम लिमिट फॉर ITC क्या बोला है, ITC पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अच्छा, जिसके पास भी पुराना मॉड्यूल है, यहाँ पे डेट लिखा है मॉड्यूल में 20 अक्टूबर, ये डेट लिखा हुआ है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग नहीं है बट वैसे एक हिसाब से रॉन्ग है। वो क्यों मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी तो कब तक आपको करना है, कब तक ITC क्लेम कर लेना है, एक फाइनेंशियल ईयर का ITC क्लेम कर लेना है बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, ये देखो, इसके लिए एग्जाम्पल में आते हैं, ऐसे तो कहानी समझ में नहीं आने वाली। मेरे साथ चलना फ्लो में, वरना ये चैप्टर ऐसा है कि फ्लो से निकल गए तो चैप्टर कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। ध्यान से देखो, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर, सपोज करो 2021, और ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब ये इस पूरे साल में आप परचेजेस करते रहते हो, सपोज करो मैं मान के चलता हूँ, अब ये स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, ख़त्म हो रहा है मार्च में, अप्रैल से ख़त्म हो रहा है मार्च में, तब होगा क्या, सपोज़ करो आपने जून में परचेज़ किया जिसमें 1,00,000 का इनपुट टैक्स है, आपको 1,00,000 का इनपुट टैक्स मिल रहा है, तो ये जब आप रिटर्न में क्लेम करोगे तब तो ITC मिलेगा आपको। अब ये 1,00,000 का इनपुट टैक्स आप कब तक क्लेम कर सकते हो रिटर्न में, जून का है या तो जब रिटर्न भरोगे जुलाई में तभी कर लो, नहीं किया तो अगस्त में कर लो, नहीं किया तो सितंबर में कर लो, नहीं किया तो अक्टूबर में कर लो, ऐसे कब तक क्लेम कर सकते हो, बार बार नहीं करना, एक ही बार है, कब तक कर सकते हो। तो एक्ट क्या बोलता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो परचेज किया है ना, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न, ये आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो सितंबर मंथ का अपन रिटर्न भरते हैं ना, रिटर्न कौन से की यहाँ बात हो रही है बताऊँ, 3B की, ये किसकी बात हो रही है, रिटर्न 3B की बात हो रही है, एक सेकेंड, ओके। तो ये जो 3B रिटर्न की बात हो रही है, तो ये 3B रिटर्न के ड्यू डेट तक की, एक तो एक डेट वो ले लो। अच्छा, आमतौर पे 3B की ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 20 तारीख जनरली ये ड्यू डेट होती है, तो ये सितंबर महीने की ड्यू डेट कब आएगी, इसकी ड्यू डेट आने वाली है, इसकी ड्यू डेट होगी
ओके आ जाते हैं बैक टू प्रोविजन. सितंबर मंथ की ड्यू डेट क्या होगी? 20 अक्टूबर. और ये साल कौन सा चल रहा है? ये साल चल रहा है 21-22, तो क्या होगा 20 अक्टूबर 2021, ये होगी डेट. तो या तो ये डेट या फिर वो जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 उसका एनुअल रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट. एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, ड्यू डेट नहीं, देखो यहाँ पे डेट लिखा रहेगा. इफ आई वॉन्ट टू शो यू करेक्टली, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बहुत छोटी बात है मगर आईसीआई इस पे दो दो मार्क का क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है. सेप्टेम्बर का रिटर्न फाइलिंग डेट और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली है. तो एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट नहीं बोल रहे हैं वो. सर वैसे एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होता है? वो होता है 31 दिसंबर, ठीक है. तो इसने बोला आपने जब भी एनुअल रिटर्न फाइल किया या तो वो डेट या फिर सेप्टेम्बर रिटर्न के फाइल करने का ड्यू डेट विच इज जनरली 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी. उसके बाद आप आईटीसी क्लेम कर सकते नहीं हो. फॉर एग्जांपल आप कोई कह सकता है सर फिर तो हमेशा ही 20 अक्टूबर पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ये देखो सितंबर महीने के रिटर्न डेट क्या है, फाइलिंग डेट 20 अक्टूबर 2021. और सपोज करो कि हमने जो एनुअल रिटर्न फाइल किया हमने ड्यू डेट तक का वेट ही नहीं किया, हमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया सपोज करो 30 जुलाई 2021 को ही फाइल कर दिया, तो हमारी रिटर्न डेट क्या बन गई 30 जुलाई 2021. इसके बाद अब हम लोग आईटीसी क्लेम कर पाएंगे नहीं. ये किसकी बात हो रही है? मतलब एक्ट ने साफ साफ क्या बोला है, जिस साल में आपने परचेज किया उसके अगले साल के सितंबर मंथ के रिटर्न के ड्यू डेट या उसी पिछले साल का एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है. ओके नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन है. री अवेलमेंट ऑफ आई टी सी रिवर्स्ड अर्लियर, उस पर कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. सर ये री अवेलमेंट क्या होता है? देखो कैसा होता है, आपने एक बार आई टी सी क्लेम किया, अब सपोज करो जैसे एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं अपन. यहाँ देखो ध्यान से आपको क्लियर हो जाएगा. या तो एक काम करो ये नेक्स्ट प्रोविजन देख लो, उसके बाद इस पॉइंट को साथ में मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा. यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है, लुक एट रूल 37. रूल 37 क्या बोलता है? आईटीसी टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विथ इंटरेस्ट एट 18% पर एनम इफ वैल्यू प्लस टैक्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज नॉट पेड विद इन 180 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ नोटिस. ये वाली बात क्या, अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये आ गई पांचवी कंडीशन. ऊपर अपन ने देखी चार कंडीशन, उसके पहले एक देखी जीरोथ कंडीशन विच वॉज बिजनेस परचेस, और ये आ गई फिफ्थ कंडीशन. आपने जिससे माल परचेस किया ना, जिससे मैंने ये बॉटल परचेस किया था जिसका मैं आई टी सी क्लेम करना चाह रहा था, अब वो सपोज बिल था 10 लाख रुपए का, तो ये इस बॉटल का मुझे पेमेंट बिल जैसे ही मिला उसके 180 दिन में पेमेंट कर देना चाहिए था. याद रहे डिपार्टमेंट ने 6 महीना नहीं बोला, उसने क्या बोला 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए था. अब सर नहीं किया, तो अगर पेमेंट आपने नहीं किया तो आपने जो आईटीसी क्लेम किया है ना वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. बहुत सिंपल फंडा है सर. रिवर्स नहीं किया तो ऐसा होता नहीं, रिवर्स करना ही पड़ता. देखो इस पॉइंट को बारीकी से समझना एकदम. यहां पे देखो ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. अब मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे एक परचेज़ किया था 1 जून में, कुछ तो भी परचेज़ किया जिस पे ITC बन रहा था 1 लाख रुपए का। अब मैं बाकी सब कंडीशंस कंप्लाई कर रहा हूँ, गुड्स वुड्स भी गोडाउन में आ गया, सब हो गया है। 180 दिन के अंदर अंदर मुझे इसको पेमेंट करना था। सपोज़ यहाँ ख़त्म होता 180 दिन, ठीक है। अब सपोज़ करो मैंने नहीं किया ख़त्म, अब अगर मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, इसको पेमेंट नहीं किया, ये जून में मैंने लिया था, तो ये जून का मैंने ITC क्लेम कब किया होगा? ये जब मैंने जुलाई में रिटर्न भरा होगा जून का, मैंने 20 जुलाई तक रिटर्न भरा होगा, तब मैंने ये ITC क्लेम कर लिया होगा। तो अब जो ITC क्लेम करके पहले मज़े ले लिए हैं, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है? जो मेरा जिस महीने भी मैंने पेमेंट नहीं किया, 180 दिन ख़त्म हो गए, पेमेंट नहीं किया, उसके आने वाला जो रिटर्न होगा उसमें मुझे जो मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ना, जो मुझे भरना है गवर्नमेंट को, वो जो भी लाइबिलिटी होगा उसमें ना ये एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करना पड़ेगा। ये वाला जो क्लेम किया था ना पहले, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, 18% ब्याज भी साथ में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्याज किधर से किधर तक? तो ये देखो, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहीं पे नोट्स में लिख दिया है, आपके समरी में लिख दिया है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम डेट ऑफ अवेलिंग सच क्रेडिट, आपने जिस दिन अवेल किया तब से लेके टिल द डेट आपने अमाउंट ऐड बैक किया आउटपुट लाइबिलिटी में। अगर मैं अपने एग्जाम्पल की डिस्कशन करूं, हमने क्लेम कब किया था? 20 जुलाई को। और सपोज करो हम पेमेंट कर रहे हैं, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब समझो हम टाइम पर रिवर्स करना भूल गए, हम लेट रिवर्स करो, लेट रिवर्स करो, जितना लेट रिवर्सल करोगे उतना दिन का ब्याज बढ़ते जाएगा। बट ब्याज कहाँ से? इस 20 जुलाई से, इस 20 जुलाई से। सपोज आपने इसको 28 फेब को भरा, तो 28 फेब तक का इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 18%। याद रहे GST में जो इंटरेस्ट दिया जाता है ये पर मंथ नहीं होता, अनलाइक इनकम टैक्स। वहाँ पे हम लोग कैसे देखते हैं, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यहाँ ऐसा नहीं होता है। GST में इंटरेस्ट डे वाइज कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने डिले किया है सपोज करो 90 डेज से, तो 90 डेज का इंटरेस्ट लगेगा, 95 डेज तो उसका ही इंटरेस्ट लगेगा। बट याद रहे 180 दिन का उस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड का है? आपने जिस दिन क्लेम किया। अब देखो, हो सकता है ना कि आपका 1 जून का बिल था, और हो सकता है ना कि आपने ITC क्लेम ही नहीं किया 6 महीने के अंदर। तो जब क्लेम ही नहीं किया तो रिवर्स क्या करोगे? और जब रिवर्स करना ही नहीं पड़ा तो इंटरेस्ट किस चीज़ का? या हो सकता है जो आपने 1 जून में परचेज किया ना, वो आपने क्या किया ना, जुलाई में नहीं किया, अगस्त में नहीं किया, आपने सेप्टेम्बर का जो रिटर्न था ना, जो आपने भरा था 20 अक्टूबर को, आपने उसमें ITC क्लेम किया। तो 180 दिन तो जो बिल मिला है 1 जून से, वहीं से काउंट करेंगे। पेमेंट तो बिल के डेट से ही होना चाहिए 180 दिन के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा आपने जिस दिन क्लेम किया, इस एग्जाम्पल में क्लेम किया मैंने 20 अक्टूबर को, वहाँ से लेके पेमेंट कब किया? 28 फेब को, वहाँ तक का इंटरेस्ट लगेगा। आई होप क्लियर है, मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए हैं। ओके रूल 37 बोलते हैं इसको, ये मैंने लिख भी दिया है कि इंटरेस्ट लगता है डिपार्टमेंट का डे बेसिस पे, डेट मैंने यहाँ लिखी थी। अच्छा, एक चीज़ और थी मैंने मेंशन किया यहाँ पे, कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट ITC ऑफ पार्ट प्रिंसिपल। सपोज 10 लाख का बिल था, आपने 5 लाख का पेमेंट कर दिया 180 दिन के अंदर, और 5 लाख का नहीं किया, तो जो ITC था ना प्रपोर्शनेटली आधा ही रिवर्स करना है, और आधा तो आपने क्लेम राइट किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ना, ये जो 180 दिन में पेमेंट करना है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अच्छा, ये एक्सेप्शन के पहले ना मैं इस पॉइंट को कवर करता हूँ जो अपने यहाँ छोड़ दिया था। क्या था ये पॉइंट जो मैं डिस्कस किया था ना, सेप्टेम्बर के रिटर्न के पहले या फिर एनुअल रिटर्न के डेट के पहले मुझे ITC क्लेम कर लेना है। वहाँ पे एक्सेप्शन क्या था? री अवेलमेंट ऑफ ITC रिवर्स्ड अर्लियर। तो मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ जो अभी अपन ने सीखा। ये देखो यहाँ पे, अब आपने क्या किया ना, आपने ITC तो रिवर्स कर दिया, और आपने इंटरेस्ट, लेकिन आपने विथ इंटरेस्ट रिवर्स करके कर दिया।
अब सपोज करो आपने अगले साल या उसके अगले साल या किसी भी महीने में रिवर्स करने के बाद आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या हम वापस से ITC क्लेम कर सकते हैं क्या उस बिल का? देखो अगेन रिपीट, ध्यान से स्टोरी सुनो। पहले मैंने परचेज किया, 180 दिन में पेमेंट करने डिपार्टमेंट ने बोला, मैं निकम्मा, मैंने नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, मेरे CA ने पकड़ा, उसने क्या बोल दिया, भाई ITC रिवर्स कर। मैंने ITC रिवर्स कर दिया, आउटपुट टैक्स में ऐड कर दिया, वापस गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया विद इंटरेस्ट भर दिया। लेकिन ये सब डिपार्टमेंट ने मेरे साथ में नाइंसाफी क्यों की थी? बिकॉज मैंने उसको पेमेंट नहीं किया था। अब मैंने क्या किया, अब मैं जाग गया, मुझे लगा मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया, मेरे सप्लायर को पेमेंट कर दिया। तो अब इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब चुकाने के बाद क्या अब मैं वापस ITC क्लेम कर सकता हूँ क्या, जो पहले रिवर्स करना पड़ा था? क्या लगता है तुमको? ऐसा नहीं है, आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि वो आपका अधिकार है। सिंपल है ना, आपको पहले भी क्लेम करने दिया था, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स करवा दिया, लेकिन जब आपने पेमेंट कर दिया है तो आपने अपना पश्चाताप, क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप कर लिया है, गलती आपको एहसास हो गई है और आपने पेमेंट कर दिया है, आप ITC क्लेम कर लो। तो ये जो पहले ITC क्लेम किया, फिर उसको वापस रिवर्स कर दिया और बाद में वापस से क्लेम कर रहे हैं, उसको वापस लिंक करने को क्या बोलते हैं, री अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। और ये री अवेलमेंट करने का कोई पीरियड नहीं है, पहली बार अवेल करते हैं तब सितंबर रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले क्लेम करो पिछले साल का, वो सब चक्कर तब है। लेकिन जब आप री अवेल कर रहे हैं तो आप कितने भी टाइम बाद जब आपने पेमेंट किया तब उसको री अवेल कर सकते हैं बिना किसी टाइम पीरियड के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को पहले नहीं उठाया था ताकि इसके साथ में मैं कवर अप कर सकूं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है जीवन में क्या हो रहा है। ओके, अब जो हमने बात किया 180 दिन में पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसे कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन, रिवर्स चार्ज सप्लाइज। अब ये रिवर्स चार्ज सप्लाइज, अरे सिंपल सी कहानी है, जहाँ पे जो मैं परचेज कर रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं परचेज कर रहा हूँ और मुझे ही एज ए रिसिपिएंट टैक्स भरना पड़ रहा है, तो उस केस में सरकार ऐसे नहीं बोल सकती है कि तू पहले उसको पैसा दे फिर क्लेम कर। अरे जब रिवर्स चार्ज में टैक्स ही मैं भर रहा हूँ तो मैं तो क्लेम करूँगा ही ना, तो वहाँ पे ये 180 का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे 180 दिन में पेमेंट करो, नहीं करो तेल लेने गया, आपने खुद रिवर्स चार्ज में टैक्स भरा है ना, कर क्लेम। ओके, नेक्स्ट क्या है, डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। अरे सिंपल सी कहानी है ना, कुछ कुछ सप्लाईज ऐसी होती है जहाँ पर कंसिडरेशन होता ही नहीं है। हमने देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सप्लाई सीख रहे थे, जहाँ पे डीम्ड सप्लाई भी सीखा था। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई, डीम सप्लाई मान लिया जाता है। तो जब डीम सप्लाई मान लिया, मतलब डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल दिया मत ले कंसिडरेशन, तो भी हम सप्लाई मान लेंगे। अरे जब बिना कंसिडरेशन के सप्लाई मान लिया, अब डिपार्टमेंट थोड़ी बोल सकता है पैसा ले गया पैसा दे गया। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, एक्सेप्शन है, इसमें पैसा नहीं भी दिया तो चलेगा। नेक्स्ट क्या है, एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाइज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाइज लाइबिलिटी बींग इनकर्ड बाई द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब ये क्या है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाइज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लाइबिलिटी बींग इनकर्ड बाई द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। अब ये देखो, ये ना बहुत सीधी सादी बात है, मैंने 10 लाख का माल परचेज किया, डिपार्टमेंट ने क्या बोला 180 दिन में 10 लाख दे उसको, लेकिन वही बंदा मुझे क्या बोल रहा है, 10 लाख मुझे मत दे, मेरे को किसी सी नाम के बंदे को देना था पैसा, तू सीधा उसको दे दे। अरे तो उसके बोलने पे किसी और को दिया, मैं तो पेमेंट कर दिया ना, और वो खुद बोल रहा है कि अगर तू उसको दे देगा तो मैं मान लूंगा मुझे मिल गया, तो उस केस में डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता उसको भी दे। हाउ कैन डिपार्टमेंट आस्क मी कि तू उसको भी दे, दोनों को दे, पागल है क्या? मैं 10 लाख देना था, मैंने उसकी जगह, उसने कहा उसको दे, मैंने उसको दे दिया, तो फिर मेरा लाइबिलिटी चुकता हो गया है। 180 दिन अब वापस वहाँ बीच में आएगा नहीं, लेकिन ये याद रहे, अगर उसने किसी और को देने के लिए कहा ना, तो उसको भी इसी दिन में दे देना है। ऐसा नहीं कि उसने किसी और को देने कहा तो उसको आप आराम से दे रहे हो, नहीं, देना 180 दिन में ही है, बट 180 दिन में उसको नहीं देना वापस से।
ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि बहुत ही जेन्यून एक्सेप्शंस थे। अच्छा ये देखो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, सेक्शन 17 बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़ा ही धमाकेदार है। हैव अ लुक। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत? हालांकि ये बहुत बेसिक था आईटीसी का जो अपन ने किया, सेक्शन नंबर 16, 5-6 कंडीशंस चेक करनी है और वो कंडीशंस फुलफिल करनी है, टाइम पे पेमेंट करना है, आईटीसी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आगे हम सीखने वाले हैं किसी किसी चीज़ पे हम आईटीसी कभी चाह के भी क्लेम कर ही नहीं सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा हमेशा हमेशा। ओके नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 17 रिलेटिंग टू अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट रीड विथ रिलेवेंट रूल्स एंड सो एंड सो। तो 17 के ना तीन पार्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं। पहला पार्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड है, ध्यान से देखो, आपने जो गुड्स परचेज किया है, जो सर्विस ली है, वो पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। भाई आपने सपोज करो आपने एक लैपटॉप लिया, आप वो थोड़ी देर के लिए बिजनेस में यूज़ करते हो और रात को घर ले जाके उसमें गेम खेलते हो, तो हो गया ना पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। या फिर यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये ध्यान रहे जीरो रेटेड सप्लाई भी टैक्सेबल सप्लाई की गिनती में ही आता है। जीरो रेटेड क्या था, जब हम एक्सपोर्ट करते थे या तो SEZ में या फिर इंडिया के बाहर, वो भी किस में आता है, वो भी टैक्सेबल सप्लाईज में ही आता है। तो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट आपको क्या कहता है कि जो आप माल परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए यूज़ करो और टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ करो, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप वो बोलते हैं आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए मत यूज़ करो यार। अब क्यों ऐसा? अरे डिपार्टमेंट को दर्द तो होगा ना, तुमने कुछ परचेज किया है उससे तुम क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई का कुछ बना रहे हो और एग्जेम्प्ट सप्लाई में सप्लाई कर रहे हो, तो तुमको तो वहाँ टैक्स भरने को नहीं आएगा। और जब तुमको कुछ भरने ही नहीं आ रहा तो तुमको लेस करने का मौका क्यों दे रहे हम लोग, सिंपल। तो उन्होंने क्या बोला, या तो आप पार्टली बिजनेस या पार्टली पर्सनल कर रहे हो तो हमको नहीं परवड़े, या फिर आप पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट में यूज़ करोगे हमको ना परवड़े, फिर भी करते हो तो हम उनको जुदा कर देंगे। देखो यहाँ पे ITC available only as attributable to business purchase। अरे भाई जो उसका business का part, example laptop वाली बात करते हैं, suppose मैं 12 घंटा use करता हूँ business के लिए, 4 घंटा 5 घंटा use करता हूँ personal के लिए, तो फिर आपने बोलते हैं आप उसको divide कर दो, कितना था ITC मतलब 1000 रुपये, एक काम करो उसको जिस ratio में use करो उस ratio में divide कर दो कि इतना ही claim करोगे इतना claim नहीं करोगे। अब रियल लाइफ में इतना कोई बायफिकेट करता नहीं है, बट लॉ में लिखा है बायफिकेशन होना चाहिए, आप करते नहीं करते, आपके क्लाइंट जाने और आप जाने। नेक्स्ट, ITC अवेलेबल ओनली एज एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, अगर आपने वही गुड्स यूज़ किए हैं टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए भी और एग्जेम्प्ट वाले के लिए भी, तो डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया, भैया जो पोर्शन तुमने एग्जेम्प्ट गुड्स बनाने के लिए यूज़ किया ना उसका ITC तुमको नहीं देंगे। अच्छा अब ये सब कैसे होगा, ये सब सम में आएगा, फिलहाल प्रोविजन समझ के रखो, और प्रोविजन समझेगा प्रोविजन आपको याद भी करना होगा ताकि जब सम कराओ तो आपको याद आ सके। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड्स द रिवर्स चार्ज सप्लाईज एंड ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एंड एक्सक्लूड एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 except sale of land and sale of building when the entire consideration is received post completion certificate or post first incorporation or occupation whichever is earlier। तो यहाँ ध्यान से देखो, हालांकि ये भी मैं आपको डिटेल में सब में समझा पाऊँगा, बट ध्यान से सिर्फ इतना समझ लो कि जो exempt सप्लाईज के ऊपर बात कर रहा है ना उसमें रिवर्स चार्ज सप्लाई भी आएगा। जो रिवर्स चार्ज सप्लाई वो भी क्या है आपका exempt सप्लाई ही आपके लिए, और अच्छा इस प्रोविजन के लिए ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़ ये भी आपका क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। सर सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन्स, सिक्योरिटी आपके वही शेयर डिबेंचर्स आप जब डील करते हो अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो भी क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाई के अकाउंट में आएगा। किसके लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्पज़ के लिए। ठीक है,
बाकी जब सब में आएगा तो मैं आपको और डिटेल में कवर अप करवा पाऊंगा। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी। अब ये क्या है, ये वाला पार्ट बी समझाने के लिए मुझे पहले आपको पार्ट सी समझाना पड़ेगा। पार्ट सी है अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ओके, हालांकि अभी अभी हमने ध्यान दिया है कि ऑलरेडी लेक्चर 50 मिनट के आसपास का हो चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, विल कट डाउन ओवर ईयर और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपोर्शनमेंट यानी कि पार्ट नंबर सी एंड देन पार्ट नंबर बी भी, सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इस लेक्चर में, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ अलविदा, बाय।